अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रई जाहिद और आज हम मौजूद हैं 9th Avenue की साइड पे। अपार्टमेंट्स का ये प्रोजेक्ट है फलकनास बिल्डर्स का, और यहाँ पे आपको पता है कि सिर्फ हम आपको 3D मॉडल नहीं दिखाते हैं, ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट है वो भी हम लाजमी तौर पर अपने तमाम देखने वालों को दिखाते हैं। जस्ट अभी लॉन्च हुआ है तो आपको इनिशियल कुछ चीज़ें हम दिखाना चाह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड चीज़ें क्या क्या हो चुकी हैं और क्या हो रही हैं। मेरे साथ दानियाल भी मौजूद हैं, फलकनास के ही हैं। दानियाल भाई, पिछली वीडियो में आपने बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी है भाई, लेकिन अब हम आपसे कहेंगे भाई ऑन ग्राउंड शुरू क्या हो चुका है, बिल्कुल वो भी चल के दिखाएं। तो आ जाएं भाई, सबसे पहली चीज के टोटल आ रहे हैं 5 टावर। कितने आ रहे हैं भाई? 5 टावर आ रहे हैं। 5 टावर आ रहे हैं और ग्राउंड प्लस 12 का स्ट्रक्चर बनने वाला है। इस बाउंड्री वॉल तक आपका प्रोजेक्ट होगा। अच्छा जी, कौन सी? ये जो सामने बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल है, यहाँ तक आपका प्रोजेक्ट होगा। पहला जो टावर है जिसमें टावर ए है वो मेन मोटर वे M9 को फेस करेगा। बिल्कुल, M9 को फेस करेगा, जिसके अंदर हमारे पास जो मैंने आपको बताया 3 कैटेगरीज मौजूद हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसके बाद फिर B, C, D और जो ई टावर है पीछे की तरफ है। ठीक, बेसिकली हमारा जो प्लॉट है वो 9 के शेप में है। अच्छा, तो 9th Avenue बेसिकली, यार M9 पे है इसलिए 9th Avenue, और सेकंडली ये कि 9 के शेप में आपका जो है प्लॉट है जबरदस्त, तो इसलिए भी 9th Avenue। चले 9th Avenue। अब अच्छा, ग्राउंड प्लस 12 का स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और ग्राउंड फ्लोर और डबल बेसमेंट पार्किंग है, और फ्रंट का जो ग्राउंड फ्लोर है वो कमर्शियल है, उनमें शोरूम्स भी मौजूद है। टावर ई में नीचे आप शोरूम भी लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे बड़े ब्रांड्स आने हैं तो वो भी आप बुक करा सकते हैं, उसकी प्राइस भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी जब आप रब्ता करेंगे। और इसके अलावा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मॉडल विला ये पीछे बना हुआ है जो हमने लास्ट वीडियो में आपको विजिट कराया था, लाजमी तौर पे जाके वो भी चेकआउट करिएगा। अच्छा, आगे अगर हम जा रहे हैं, क्योंकि मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि टावर ई जो है, जो टू बेड लाउंज है, उसके जरिए डिगिंग शुरू हो चुकी है, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा दानियाल, मुझे ये बताओ कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा हमारे क्लाइंट्स को? इंशाल्लाह 4 साल में हमारा इसको डिलीवर करने का प्लान है, यानी कि 2028 में ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है सर, अगर फलकनास की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम करने का जो पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है, नो डाउट। हमारे रिसेंटली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो टाइम से पहले डिलीवर, बिल्कुल कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं कि उनका हमें तारुफ नहीं कराना पड़ता, बिल्कुल ऐसा ही है, बेहतर जानते होते हैं उनकी डिलीवरी कैसी है और काम कैसा है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जितना टाइम हम अपने क्लाइंट्स को कमिट कर रहे हैं जब तक हम एक्सप्रेशन डिगिंग तक पहुँचते हैं, जो टू बेड लाउंज है उसकी प्राइस भी बता दें, और इसके अलावा भी ज़रा ब्रीफली बताएं कि क्या प्राइस शेड्यूल क्या है, और इसके अलावा बुकिंग के लिए कितनी अमाउंट चाहिए। ठीक है, टू बेड लाउंज की आस्किंग जो है हमारी, आस्किंग प्राइस वो 85 लाख है। दिखाएं जी ज़रा बैक साइड पे दिखाएं, और 85 लाख में ये है कि 30% आपकी डाउन पेमेंट है। ठीक है, और 20% जो है वो आप फिनिशिंग और पोजेशन पे अपने 4 साल के बाद रखवा सकते हैं। मैं दोबारा पूछूंगा, टोटल 30% एडवांस है, 20% फाइनल पे, 50% की अमाउंट जो है वो आपने अपने 4 साल में अपनी सहूलत के हिसाब से अदा करनी है। 20% तब देना जब आपका अपार्टमेंट रेडी होगा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो 30% एडवांस, 50% की इंस्टॉलमेंट्स, और बाकी 20% फाइनल पे। और ये टावर ई की जो एक्सप्रेशन शुरू हो चुकी है, अच्छा डबल बेसमेंट बनना है तो साफ रहे एक्सप्रेशन भी काफ़ी डाउन तक जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये दिखाना आपको लाजमी था। हम सिर्फ वो लोग नहीं है कि भाई ऑफिस में बैठ के आपको बताते रहें और चीज़ें करते रहें, हमारा काम ही ऐसा है कि साइट पे निकल के तमाम चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जो जो डेवलपमेंट चल रही है वो भी दिखाएंगे। और लेटर ऑन दानियाल, हमारा काम करने का तरीका भाई ये है कि हम जो भी प्रोजेक्ट सेल करते हैं ना, तो हर 1-2 महीने बाद आके आपकी डेवलपमेंट हमने दिखानी है कि भाई दानियाल ने जो अगर कमिटमेंट की थी फलकनाज़े, मैंने फलकनाज़े यहाँ आ जाए। रईस भाई आप आएँ, जिन्होंने हमारे पास बुकिंग कराई है हमारे क्लाइंट्स आएँ, साइट ओपन फॉर ऑल है, कोई भी आके देख सकता है, उन्होंने जाहिर है हमारे पास इतना अपना सरमाया लगाया है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल आके देख सकते हैं, उनका पूरा राइट है भाई आपका। और हमारे बहुत सारे लोग जो नहीं आ सकते तो उनके लिए ये काम हम कर रहे होते बिल्कुल हैं, ऐसा ही कि है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में और भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं सेल कर रहे हैं, तो हमारा काम ही यही है कि हम सेल कर। अच्छा, मेरी ये प्रेफरेंस होती है कि हमने भले किसी भी बिल्डर के साथ भले कम काम किया या ज़्यादा किया, हमने एक यूनिट भी सेल कर दिया ना, तो हम लायबल हैं कि जब तक वो हैंडओवर नहीं हो जाता तब तक हम उनके साथ रहें, हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट में हमें वो रिस्पेक्ट भी मिलती है और वो रिस्पॉन्स भी मिलता है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, और ये भाई अल्लाह का शुक्र भी है कि जिस तरीके से लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। और दानियाल, बड़ा बेहतरीन यार, मज़ा आ गया देख के चीज़ें आप लोगों ने टाइम से पहले ही शुरू कर दी हैं। अभी हालांकि आपने बताया कि प्रॉपर जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो नहीं हुई है। चलें जी, बेहतरीन। अब अगर आप व्यू देखें तो सामने मेन मोटर वे M9, ये जस्ट मेन मोटर वे M9 चल रहा है, और ये टू बेड लाउंज वाला अपार्टमेंट है, ग्राउंड प्लस 12 का स्ट्रक्चर बनना है, बेहतरीन भाई। चलें जी, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गए हैं जो पूछने चाहिए थे और आपको पता होने चाहिए, वो आप हमसे कमेंट में भी कर सकते हैं, और इसके अलावा
फ़ोन नंबर तो दिया हुआ है, उस पर रابطہ करें, इंशाल्लाह आपको जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होंगे वो भी देंगे, जो मैक्सिमम डिस्काउंट्स होंगे वो भी देंगे, और जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं अच्छी सराउंडिंग अच्छी फेसिंग के कॉर्नर के वेस्ट ओपन के रोड फेसिंग के जो जो अवेलेबल है तो इंशाल्लाह बेस्ट यूनिट आपको देंगे और बेस्ट सर्विसेज भी देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।